नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो हमारी बेटी के साथ ड्यूटी के दौरान जो हिंसा हुई है, जो दर्दनाक मृत्यु हुई है उनकी, उसके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन करने के लिए एकजुट होकर हम लोग IMA ब्रांच के साथ पूरे डॉक्टर्स, पूरे हेल्थ केयर के स्टाफ हम लोग जमा हुए हैं। अभी हम लोग प्रदर्शन करेंगे महामाया चौक से लेकर गांधी चौक तक। हम यही चाहते हैं कि बेटी को जो जिन्होंने दूसरों को सेवा देने के लिए अपने जीवन को तैयार कर रही थी, उनका जीवन ले लिया गया है। जिनके जिनके पास पूरा भविष्य बचा हुआ था, जिनको लोगों को सेवा देना था लेकिन वो दे नहीं पाई, उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले और सभी बेटियों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं या कोई भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सभी को सुरक्षा मिले। मैं नरेंद्र सिंह टुटेजा, प्रवक्ता हॉस्पिटल संगठन अंबिकापुर। आज कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेसिडेंट बच्ची के साथ, मेडिकल इंटर्न के साथ जो विभत्स घटना हुई है, उसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA अंबिकापुर चैप्टर के शाखा के तत्वावधान में हॉस्पिटल संगठन, सभी ऐसे समूह, एसोसिएशन और संगठन जो जरा भी मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण हैं, चाहे वो नर्सिंग एसोसिएशन हो, अन्य व्यापारी संगठन हो, उन सभी के द्वारा एक शांति मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी इस घटना का पुरजोर विरोध करते हुए, इस घृणित घटना की पूरी निंदा करते हुए और इस बात को हम मांग रखने के लिए जा रहे हैं कि ऐसी घटना भविष्य में दोबारा घटित ना हो। कल को कभी अंबिकापुर के किसी नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या देश के किसी अन्य अस्पताल में इस तरीके की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आज IMA अपने तत्वावधान में इस पूरी रैली का आयोजन कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं, विभिन्न संगठनों ने इसमें शामिल होकर के इस रैली में अपनी सहभागिता दी है और अब ये मार्च यहाँ से प्रारंभ होगा। यह शांति मार्च है, इसके बाद अगर भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो निश्चित रूप से आंदोलन की अग्रिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार, सचिव IMA अंबिकापुर। किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रा थी जिसके साथ बलात्कार हुआ सामूहिक रूप से और उसके बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी गई और उसके बाद वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो प्रबंधन है, उसने पूरी घटना पर लीपापोती करने का जिस प्रकार से प्रयास किया है, उसके खिलाफ़ पूरे देश के डॉक्टर आंदोलित हैं, पूरे देश के लोग आंदोलित हैं। यह निर्भया जैसी घटना है और नेशनल IMA ने एक नेशनल लेवल पे 24 घंटे तक सर्विसेज ना देने का फैसला किया है, केवल इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं, रूटीन सर्विसेज बंद करने का फैसला किया है। उसी के तत्वाधान में प्रेस को जागरूक करने के लिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मांगे क्या हैं और किस तरह के जो भी डिमांड आपने रखा था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या बेहतर किया जा सकता है? ये मुख्य हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि सरकार ये एक्नॉलेज करे कि जो अस्पताल हैं वहाँ पे हिंसा होती है, इसलिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाए पॉस्को की तर्ज पे। जिस तरह से पॉस्को कानून है, कानून बना है, तो उसी तरह से अगर किसी चिकित्सक के साथ या किसी नर्स के साथ या किसी हॉस्पिटल में ड्यूटीरत स्टाफ के साथ में कोई घटना होती है तो उस पर तत्काल गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग ये है कि हॉस्पिटल्स को एक सेफ जोन घोषित किया जाए,
इसकी शुरुआत जो बड़े चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज के चिकित्सालय हैं, उसके साथ की जा सकती है। जिस तरह से एयरपोर्ट सेफ जोन होता है, उसी टाइप की सेफ्टी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, जो कि राज्य की पुलिस ना हो, अस्पतालों को दी जाए, ताकि जो पुलिस कई बार सरकार के हाथों में खेल जाती है और अन्याय हो जाता है, ऐसा ना हो। तीसरी डिमांड है कि जो कोलकाता के कुकृत्य के दोषी हैं, उनके पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाए और उन सबको जल्दी से जल्दी फांसी पर लटकाया जाए। चौथी डिमांड है कि जो हमारी बच्ची है, उसके परिजनों को उचित कंपनसेशन, क्योंकि सरकार तो जाति और धर्म देखकर आजकल कंपनसेशन दे रही करोड़ों के उसमें, तो इस बच्ची ने तो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, तो इसको उच्चतम कंपनसेशन देने का काम करें। और पांचवी डिमांड ये है कि ये इस तरह की घटना इसलिए हुई कि बच्ची जिस रूम में सो रही थी, उस रूम में लैस तक नहीं था, उसके पास एक प्रॉपर जो ड्यूटी डॉक्टर है, जो 32 घंटे 36 घंटे ड्यूटी कर रही थी, उसके पास एक प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं था। तो सरकार पूरे देश में इस तरह का कानून लाए कि जिस प्रकार से मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनवाया है स्वच्छता अभियान के माध्यम से, उसी तरह से केंद्र सरकार हर चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग ड्यूटी रूम, प्रॉपर उनकी पूरी शौचालय की सुविधा के साथ, स्वच्छता के साथ उपलब्ध कराए। ये डॉक्टरों का मौलिक अधिकार है। इन्हीं डिमांड्स के साथ हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है।